भारत का एक पवित्र माह शुरू हो रहा है, इसके लिए हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि इस हम लोग ईमान वाले अल्लाह पर आस्था रखते हैं और रमजान के महीने में रमजान का रोजा रखें और पाप के पाप अपने पापों से बचें, पूरे पाप न करें, कोई ऐसा काम न करें जिससे रमजान की बेइज्जती हो। खाने पीने के होटल से उन्हें बंद रखें ताकि रमजान की कदर पता चले, रमजान की अदब का अदब पता चले कि ये लोग वाकई रमजान के कदर करने वाले लोग हैं। इसलिए हमने ये जागरूकता अभियान चलाया है और ये हम एक एक को पंफलेट बांटकर और एक छोटे छोटे नारे देकर ताकि उन लोगों को रमजान की कदर पता चले। जो लोग रोजा नहीं रखते हैं वो रोजा रखने वाले बने, वो लोग जो तरावी नहीं पढ़ते वो तरावी पढ़ने वाले बने, अल्लाह की इबादत करने वाले बने। ये महीना अल्लाह की इबादत का है, दुआ का है। अल्लाह इस महीने में मगफिरत माफ़ी देता है और अल्लाह इस महीने में रोज़ी बढ़ा देता है, अल्लाह इस महीने में अपनी रहमत बरसाता है। तो हम लोग अपने दूसरे कामों में लगकर और ईद की खुशियां मनाने के वजह से हम लोग एक अब रोज़ा भी छोड़ देते हैं और रमज़ान की भी बेइज्जती भी करते हैं। इसलिए ये प्रोग्राम इस्लामिक सेंटर ने उलमा के साथ शुरू किया है और मुझे उम्मीद है कि इस जागरूकता अभियान को लोग पसंद करेंगे और बहुत से लोगों ने ये तय भी किया है कि हम आधे दिन होटल बंद रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कामयाबी है। ये मार्च कहाँ से कहाँ तक निकाला जाएगा? ये हमने निकाला है रामगढ़ थाने से स्टार्ट करके जाटापुरी होते हुए और ये मार्च जाएगा बाबू बगिया से होकर और फिर कोहिनूर रोड से होते हुए इस्लामिक सेंटर पर ख़त्म होगा। आप ये पैदल मार्च निकाल रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है जनता के बीच? किस तरह का प्रेम जो है नजर आ रहा है रमजान को लेकर? बहुत लोगों को पसंद आया है, बहुत लोग इसमें शामिल हुए हैं, हमारे साथ शामिल हुए हैं और ये हर जगह से तारीफ हो रही है कि इस तरह के काम और इस तरह के जागरूकता अभियान हमेशा इस्लामिक सेंटर ने चलाए हैं और वो बड़े कामयाब हुए हैं। हमने जब भी इस तरह के जागरूकता अभियान चलाए उसका सपोर्ट हमें हर लेवल पर मिला है। यहाँ भी हमें अपने रामगढ़ थाने के एसओ साहब का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है, यहाँ पर हमें मार्केट के लोगों का सपोर्ट है, नौजवानों का सपोर्ट है, बूढ़ों का सपोर्ट है और इस सपोर्ट की वजह से हमें लगता है कि इस बार का रमज़ान एक अलग रमज़ान होगा और लोगों को देखने को मिलेगा कि वाकई फिरोजाबाद में एक अभियान चलाया गया था और उसका असर नज़र आ रहा है। जी।